गुड इवनिंग। आज 18 अक्टूबर है और हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर वन क्लास 11 का कौन सा फिजिकल एनवायरनमेंट इसका पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखिए इसमें एक टॉपिक है, क्या चीज इंडिया लोकेशन। जब हम लोग लोकेशन बोलते हैं तो क्या चीज वर्ड आ गया, भौगोलिक स्थिति, कहाँ पे भारत है इसको देखिए। अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें तो अगर हम लोग ऐसा अगर अर्थ देखें, अर्थ आपको पता है कि यहाँ पे क्या चीज है, फ्लैट है और ये 0 डिग्री पे हमने क्या बोला, इक्वेटर। ये हाइपोथेटिकल लाइन है, ऐसा नहीं कि तुम वहां ढूंढने चल जाओ कहाँ का डर। और ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पर्पज से ये 0 डिग्री यहां पड़ता है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, लॉन्गिट्यूड। ये लैटिट्यूड और वो लॉन्गिट्यूड, ठीक। तो ये 0 डिग्री पे इक्वेटर, इसे हमने क्या बोल दिया, लैटिट्यूड और ये लॉन्गिट्यूड। और ये जो 0 डिग्री है इसी को हम लोग बोल रहे थे क्या चीज, जीएमटी, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। ग्रीनविच क्या चीज था जी, एक घंटा घर, कहां पे, लंदन शहर से बाहर। अब लंदन में क्यों है, क्योंकि सबसे ज्यादा कब्जा कौन किया, इंग्लैंड कब्जा किया पूरे वर्ल्ड में, तो इसीलिए वही लोग स्टार्ट किया। उस लाइन के अगर आप आगे आते हैं तो आप आ जाते हो ईस्ट में, उस लाइन के आप पीछे जाते हो तो आप आ जाते हो वेस्ट में। ये जो 0 डिग्री है इसके ऊपर आप जाते हो तो आप जाते हो नॉर्थ में, और ये इसके नीचे जाते हो तो क्या चीज आ जाते हो आप, साउथ। अपना इंडिया लगभग इधर है, ठीक है, ये अपना भौगोलिक है। हम लोग ईस्ट में है और साथ में किधर है, नॉर्थ में। तो हम लोग से अगर कोई पूछे कि वर्ल्ड के स्थिति में हम लोग कहाँ पे है, तो कौन से प्लेस पे, नॉर्थ ईस्ट। अब एक वर्ड अभी लक्ष्मी बोल रही थी, इंटरनेशनल डेट लाइन, जरा गौर से देखिएगा। अगर आप वर्ल्ड मैप देखें तो यहाँ रसा, जैसे रसा के आगे जाते हो यहाँ आता है क्या चीज, अलास्का। इस जगह को इंटरनेशनल डेट लाइन बोला गया है। इसका डिग्री कितना रहता है, 180 डिग्री के अप्रॉक्स रहता है इस जगह का। इस 180 डिग्री को हमने इंटरनेशनल डेट लाइन माना, मतलब अगर आप इसको क्रॉस कर जाते हो, इसके ईस्ट चले जाते हो तो आप एक दिन पीछे आ गए, और अगर आप इसके इधर आए तो ये क्या चीज़ हो गया, एक दिन आगे आ गए। रीजन क्या चीज़ है, अर्थ पूरा क्या चीज़ है, गोल है, साइड से तो राउंड ही है, ऊपर से ना चपटा है, साइड से तो राउंड है। राउंड है तो कहीं तो एक मानना पड़ेगा शुरुआती पॉइंट के, जहाँ पे ईस्ट पहले होता है। तो हमने माना कि यही इंटरनेशनल डेट लाइन के पास ईस्ट पहले होता है, और पहला देश जहाँ पे सूर्योदय होता है वो कौन सा आ गया, जापान आ गया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ईस्ट पहले होता तो इसके जस्ट पीछे के साइड, अब ये तो पूरा राउंड है ऐसे, तो इसके पीछे के साइड इधर क्या चीज़ होगा, सबसे लास्ट में होता होगा ईस्ट, तब तो फिर ये आएगा, रिपीटेशन होता ना बाबू ऐसे सर्कुलर। तो अगर तुम इस प्लेस को ईस्ट मानी तो इसके ठीक उल्टा जो ये जगह है क्या आ जाएगा, वेस्ट में आएगा। तो ऐसा ही इंटरनेशनल डेट लाइन मारा गया, 1 डिग्री, ये तो 0 डिग्री है ना जीएमटी, अगर 1 डिग्री पे तुम गई तो हर 1 डिग्री पे 4 मिनट टाइम क्या होता, बढ़ जाता है। कितना बढ़ गया, 4 मिनट टाइम बढ़ गया। तो अब आप एक बार देखिए, अगर आपने इसको माना 0 और आप आ रहे हो 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन के पास, तो 180 डिग्री मतलब 4 से आप इंटू करोगे, 18 चौके 72, 700 कितना हो गया, होगा 720 डिग्री, 720 मिनट 60 मिनट में क्या होता है, 1 घंटा। अब 60 से इसको करो तो कितने घंटे आएगा, 12 घंटे आता है। तो अगर यहाँ पे सुबह के 4 बज रहा है जापान के पास, तो 12 घंटा घटा के लंदन का टाइमिंग तुम जोड़ो, ठीक है। अपने इंडिया का क्या स्थिति है, अपने इंडिया में जो इंटरनेशनल डेट, मतलब इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो पास करता है यहाँ पे यूपी में, एक जगह है, नाम पड़ता है कौन सा, इलाहाबाद और मिर्जापुर के बीच में जगह है, इसलिए कभी कभी मैप पे आपको दिखा देगा कि इलाहाबाद से पास करता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इलाहाबाद के नैनी से, नैनी एक जगह ब्लॉक है उसका, और कभी आपको दिखा देगा कि मिर्जापुर से पास करता है। तो ये जो प्लेस है यही है हमारे इंडिया का आईएसटी, आईएसटी मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम।
और ये पास करता है कितने राज्यों से, यूपी से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र से, मतलब पांच राज्यों से पास करता है। तेलंगाना हाँ तेलंगाना भी आ जाएगा, पहले तो बटा हुआ नहीं था राज्य इसलिए वो हम लोग पांच ही में नहीं आ सकते। तो हमारे इंडिया का आईएसटी क्या रखा गया, अगर आप इंडिया का आप देखो, इतना लंबा चौड़ा तो बनेगा भी, अगर आप इंडिया का देखो तो यहाँ के लगभग गुजरात, यहाँ कश्मीर, यहाँ के लगभग जाते हो कच्ची आ जाता है कन्याकुमारी, यहाँ के लगभग जाते हो कौन सा आ जाता है अरुणाचल प्रदेश, जो सबसे वेस्टर्न है ये है 68°7' ईस्ट, मतलब हम लोग लॉन्गिट्यूड के हिसाब से नापे तो 0° से हम लोग कितना आ गया 68°7'। यहाँ अगर करते हैं तो यह है 97°25' ईस्ट। नॉर्थ में आते हैं तो 37°6' नॉर्थ, और साउथ में आते हैं तो 8°4' नॉर्थ। अब 68° से 97°25' जाओ तो लगभग ये तुमको 30° का गैपिंग है, बीच में कितने का 30 का गैप। तो हम लोग इंडिया का हाफ कहाँ से, बीच में कहाँ से लेंगे, तो हम लोग जो प्लेस लेते हैं अभी तुमको पता है इलाहाबाद का कहीं पे नैनी लिखा रहेगा और कहीं पे क्या लिखा रहेगा, कहीं पे क्या लिखा रहेगा मिर्जापुर लिखा रहेगा। ये पास ये कौन सा डिग्री है 82°30' ईस्ट, आपने अभी देखा। अब आपको फिर से बता दूं इस पर टाइमिंग का, अगर ऐसा लाइन दिया है तो इसको मिनट पढ़ेंगे, एक अगर डॉट दिया, अगर डबल डॉट दिया तो इसको सेकंड पढ़ेंगे, और अगर ऐसा दिया तो इसको क्या पढ़ेंगे डिग्री पढ़ेंगे। 60 सेकंड का क्या हो जाता है एक मिनट होगा, तो मिनट को एक लाइन से दिखाए, 60 मिनट का क्या हो जाएगा एक डिग्री, तो डिग्री को ऐसा दिखाए। अब आप देखिए ये 82°30' है, तो आपने अभी पढ़ा कि लॉन्गिट्यूड में एक डिग्री अगर रहेगा इसका मतलब 4 मिनट टाइम का गैप होगा, अंतर होगा। अब 82° है बाबू, तो 1° में 4 मिनट तो 82° कितना होगा 328 मिनट, और यहां दिया 30 मिनट, 60 मिनट का 1° तो 30 मिनट का कितना डिग्री, हाफ डिग्री नहीं होगा, हाफ झूठ बोल रहे नहीं समझी जी, नहीं समझी हम बोल रहे हैं 60 मिनट का कितना डिग्री, तो 30 मिनट का कितना डिग्री होगा हाफ डिग्री, ठीक है हाफ डिग्री, 1° में 4 मिनट बढ़ता था तो हाफ डिग्री में कितना मिनट बढ़ेगा, तो कितना मिनट आ गया 330 मिनट। 330 मिनट को आप 60 से आप जाते हो एक घंटा कितना मिनट होता है 60, जब करोगे तो क्या आएगा 5.5, मतलब हम लोग जो जीएमटी है इससे कितना घंटा आगे है 5.5 घंटा आगे है 82°30'। लखीसराय का अगर तुम डिग्री नापो तो लगभग 87° समथिंग के अराउंड आता है 886। फिर से बता दें ठीक है अनुप्रिया, ये समझ में आया था, लॉन्गिट्यूड क्या था वर्टिकल लाइन, लैटिट्यूड क्या था हॉरिजॉन्टल लाइन, लैटिट्यूड 0° इक्वेटर से नापते हैं इसके ऊपर नॉर्थ और इसके नीचे, लॉन्गिट्यूड मानते हैं जीएमटी से, जीएमटी क्या था ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, इसके जो राइट साइड आया ये ईस्ट और इसके जो लेफ्ट साइड आया वो क्या हो गया वेस्ट। अब जरा सा गौर कीजिए, मैंने आपको बोला इंडिया का जो डिग्री है, एक तुमको वर्ड बताया इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन तुमको कितने डिग्री पे बताया बाबू 180 डिग्री जब आप क्रॉस करते हो तो आप एक दिन पीछे चले जाते हो, कारण क्या, अगर ये पूरा सर्कल है तो सर्कल का एंगल कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री, सर्कल का एंगल होता है 360 डिग्री, ठीक है। सर्कल का एंगल 360 डिग्री, ठीक। अब देखिए 360 डिग्री अगर है, सर्किल का एंगल 360 डिग्री है, तुमको पता है 1° में कितना मिनट होता है 4 मिनट, 1° में 4 मिनट, तो 360 डिग्री 360 × 4 करो तो 1440 मिनट। अब 1440 मिनट आया, एक घंटा में कितना मिनट
60 मिनट, तो इससे अगर हम कट करके घंटा में मिल जाएगा, कट करो 6 3 72 3 24, कितना घंटा आया बाबू? 24। और 24 घंटे में कितना दिन होता है? एक दिन। मतलब अगर 0 डिग्री से आप 180 डिग्री को लेंगे तो कितना घंटा पीछे होगा? 12 घंटा। और ये फिर कितना घंटा पीछे होगा? 12 घंटा होगा जी। टोटल 24 घंटा है यहाँ से यहाँ तक गैप, और ये बीच में है, तो इसके आगे 12 घंटा गैप और इसके पीछे भी 12 घंटा गैप। हम लोग को इंडिया का निकाला था, इंडिया के नॉर्थ में क्या, कश्मीर का जो लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड इक्वेटर के बाद निकालते हो, कश्मीर का लैटिट्यूड कितना डिग्री है? 37 डिग्री 6 मिनट। और मेनलैंड, इंडिया का मेनलैंड है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी का लैटिट्यूड कितना है? 8 डिग्री और 4 मिनट। अब ये तुमको पता है इक्वेटर से ऊपर है भारत, तो नॉर्थ में है, और जीएमटी से ईस्ट में है, तो अब देखो ईस्ट में गुजरात का, गुजरात में ये जो भुज वाला जिला पड़ता है इधर ऑफ कच्छ का, यहाँ पे एक जगह था माता किला, ठीक है, वो पड़ता है इंडिया का सबसे नॉर्दर्न, ये वेस्टर्न पॉइंट, इसका है लैटिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट। और जो अरुणाचल प्रदेश का पोंग गांव है, पीओएनजी पोंग, उसका कितना पड़ता है? 97 डिग्री 25 मिनट। तो टोटल भारत का फैलाव इतना डिग्री है, और ईस्ट वेस्ट इसी के अनुसार होता है। पहले हमारे यहाँ अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होगा, तब कहाँ पे होगा? गुजरात में। 2 घंटे का लगभग गैप, क्यों 2 घंटे का गैप? 68 डिग्री 7 मिनट, और भारत का ईस्टर्न पॉइंट 97 डिग्री 25 मिनट, दोनों को घटाओ लगभग 30 डिग्री आएगा। 30 डिग्री, 1 डिग्री में कितना मिनट? 4। तो 30 डिग्री में 120 मिनट, 120 मिनट मीन 60 मिनट का कितना घंटा? 1 घंटा। तो 60 से डिवाइड किए तो कितना आएगा? 2 घंटे का अंतर होता कहाँ का? अरुणाचल से गुजरात। अगर यहाँ 4:30 बजे सुबह सूर्योदय हो रहा तो हाँ, यहाँ गुजरात में कितना होगा? 6:30 बजे सुबह, ठीक है। अब ये तो रहा बाबू, तो टाइम तुम क्या नापोगे? तुम अगर अरुणाचल प्रदेश में एरोप्लेन पकड़ी 4:30 बजे सुबह में, और सूर्य के अनुसार टाइमिंग अगर तुम नापो तो तुम गुजरात पहुंच भी जाएगी, वहां पता चला अभी सूर्योदय हुआ, तुम कहेगा बिना टाइम के हम पहुंच गए। ऐसा पॉसिबल है बिना टाइम के कहीं पहुंचना? तब तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे ही केसेस के लिए इंडिया का एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बनाया गया। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? IST। ये कहां से पास किया तुमको बता दिए, किसी बुक में तुमको दिया रहेगा इलाहाबाद के नैनी से, और किसी बुक में दिया रहेगा मतलब यूपी के मिर्जापुर से। दोनों एकदम जिला पड़ोसी है, इलाहाबाद और मिर्जापुर, इसलिए दोनों के ये 20 से पास करता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। अब इंटरनेशनल कहा है जी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है लक्ष्मी, लेकिन एक चीज गलत दे रहा है, अगर किसी बुक में ये दे रहा है कि वो तेलंगाना से पास कर रहा है तो गलत है, तेलंगाना से नहीं करना चाहिए। तेलंगाना के बहुत ईस्टर्न पार्ट में जो उधर है ना, जो आंध्र प्रदेश से थोड़ा सटा हुआ है, हाँ वैसे ही, हाँ एकदम थोड़ा सा जगह के लिए बस। इंडिया से, इंडिया के 6 राज्यों से ये पास करता है। पहला क्या चीज है जी? यूपी। दूसरा MP। तीसरा छत्तीसगढ़। चौथा उड़ीसा। पांचवा तेलंगाना। छठा आंध्रा, आंध्र प्रदेश, ये अरुणाचल नहीं समझ, आंध्र प्रदेश। जो हमारे यहाँ का टाइम है ना वही टाइम श्रीलंका भी मानता है, ठीक है। अब अपने यहाँ का टाइमिंग निकालना था, हम लोग लंदन से कितना आ गए थे? लंदन को तो 0 डिग्री माने थे, और हम लोग क्या करते हैं, अब क्या करोगे तुम, इस दोनों में से कौन जगह चूज करोगे? तो हम लोग इसके बीच का ले लेंगे, तो बीच का लेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट के बीच का लगभग कितना आया? 82 डिग्री 30 मिनट आया। अब आपको पता है, अब आपको टाइमिंग निकालना, हम लोग कितना घंटे आगे हैं ग्रीनविच से, 1 डिग्री में कितना मिनट? 82 डिग्री, तो 82 × 4 कितना मिनट? 300। तुमको अभी जस्ट बताए, अगर एक लाइनिंग दिया रहे तो ये मिनट पढ़ते हैं, दो लाइनिंग दिया रहे तो सेकंड पढ़ते हैं। अब जरा सा बोलो हमको यहाँ जरा, अगर 60 सेकंड है तो उसका क्या होगा? 1 मिनट। 60 मिनट है इसका कितना डिग्री होगा? 1 डिग्री। अगर 30 मिनट है 8 डिग्री। 60 मिनट का 1 डिग्री, तो 30 मिनट का कितना डिग्री? अब 1 डिग्री में बढ़ता था 4 मिनट, तो हाफ डिग्री कितना बढ़ेगा? 2 मिनट बढ़ेगा, 2 मिनट। और तुम पढ़े हो 82 डिग्री 30 मिनट, 30 को हम लोग बोल सकते हैं हाफ डिग्री, 300
28 को 82 डिग्री को मिनट में बदल 328 मिनट और आधा इससे जुड़ गया, आधा डिग्री की वजह से 2 मिनट जुड़ा, कितना मिनट आया 330 मिनट। एक घंटा में कितना मिनट 60 मिनट, 60 से 330 को किया डिवाइड, कितना घंटा आ गया हम लोग हैं 5.5 घंटा। तो अगर आपको कोई बोलेगा आप ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से कितना आगे हैं, कितने आगे 5.5 घंटा, कहीं का भी आप निकाल सकते हो। अगर लखीसराय का सपोज करो 86, 87, 88 कुछ भी डिग्री हो और तुमको बोले आप टाइमिंग निकालो 88 × 4 और मिनट के हिसाब से बैठा लेना, बनेगा जी। दो लॉन्गिट्यूड मतलब दो अगर लाइन का दिया पड़ेगा लॉन्गिट्यूड और टाइम निकालने को कहेगा तो पता कैसे चलेगा कि मतलब अगर ईस्ट का तो पता चल जाएगा कि इधर से सन आया है तो ईस्ट ये ज्यादा। हाँ तो क्या दिक्कत है, इसके पीछे वाला बेस्ट होगा। अगर इसके पीछे का कोई डिग्री आपको निकालने बोलेगा आप निकालोगे और आप बोलोगे कि लंदन से इतना आवर कम है, नहीं लंदन दिया हुआ ही रहेगा, दो प्लेस ऐसे लंदन नहीं दिया रहेगा मान लेंगे, उसके बाद निकालेंगे कितना घंटा किसका, कितना घंटा किसका, ये वाला 30 मान लेगा। हाँ 82 डिग्री 30 मिनट उसी को लिया 30 मिनट। जैसे कोई भी दो प्लेस का लॉन्गिट्यूड दिया, ओ आते शुरू हो गई ना, पढ़ा रहा है ना वीडियो है। हाँ दो प्लेस का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट दिया हुआ है, क्या दिक्कत है। तो हमको ये पता करना है कि पता कैसे चलेगा कि ये मतलब जितना भी आ रहा है कौन आ गए, ये आ गए, ये लॉन्गिट्यूड वाला आ गए, ये लॉन्गिट्यूड वाला, तुमको नहीं पता चलेगा। एक 82 दिया रहा है और एक 88 दिया रहा है तो 88 वाला आ गया है। 82 अगर रहे और 88 रहे तो तुमको भी पता है कि 88 वाला आगे होगा और इस साइड रहेगा तो लिखा रहेगा वहाँ 88 डिग्री 30 मिनट वेस्ट या 82 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, तो इस साइड उल्टा हो जाएगा, इस साइड उल्टा हो जाएगा, जो ज्यादा दूर है वो ज्यादा पीछे है, यहाँ आगे है और यहाँ क्या है पीछे है, रेस्टोरेंट नंबर बनाती है। हाँ तो वही बस वेस्ट और ईस्ट दिया हुआ है बिल्कुल, इसको मान लीजिए 0, इधर वाला प्लस में मतलब इससे आगे है टाइम इसका और इधर वाला क्या चीज है माइनस में, इसके पीछे आएंगे बेस्ट बहुत लेट से टाइम आएगा, हो गया। चलिए समझ में आया जी, नया तो बोलो बाबू, देखो पैसा वाजिब लेंगे। अब आगे तो ये भारत वाला शायद तुमको पता चल गया, चल गया नहीं तुम तुमसे बात ही नहीं कर रहा वो हम बोलते हैं, हम ही बताए और हम ही को छठ पूजा के बतावा, ये हम ही बोलते थे ना जी कि सब जल्दी पकवान और खा के तैयार होता है शिव जी, वो मतलब सूर्य भगवान लेट से उठते हैं, जब लाइट पढ़ाते थे छठ पूजा का एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, नहीं पढ़ाए पर चलो जो पैसा दिया उसको पढ़ा, मेरा सीधा हिसाब यही है, पेमेंट फुल करो। अब देखो अमेरिका में तो बहुत सारा स्टैंडर्ड टाइम है, 7 है या फिर 6 है, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होता उन लोग क्यों होगा कंफ्यूजन, बड़ा स्टेट है। हाँ। एरिया यहाँ से वहाँ तक फैला हुआ है। हाँ। हर राज्य उसका अलग अलग रखा है, तो जैसे भी आप बोले कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात का अगर टाइम डिफरेंट होता तो हम लोग बोलते इतने बजे से हम ट्रैवल करके हैं फिर हम उतना ही, तो अमेरिका में टाइम के अकॉर्डिंग लोग सेट करते हैं ना कि हाँ यहाँ से वहाँ गए तो कितना हुआ, वो डिग्री के अकॉर्डिंग तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है तो वो लोग आराम से लॉन्गिट्यूड के हिसाब से कर लेता है सर कितना किस पे, तुम देखो कभी भी गूगल अर्थ में तुम ढूंढती है तो उसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी बताता कहाँ पहुंचे आप, तो उतना डिस्टेंस वो नाप लेता, हम मैंने इतना डिग्री पहुंचा मतलब वहाँ का टाइम ये था तो उसके अनुसार ये टाइमिंग होगा सेट कर लेता उस राज्य के अनुसार टाइमिंग अपने घर का। हाँ चेंज करना पड़ेगा, ऐसे कैसे काम चल, तुम यहाँ का घड़ी लेके पहुंच जाओ यहाँ लंदन काम करेगा उसका कुछ बजेगा तेरा कुछ बजेगा, ठीक इंडिया में तो कहीं भी काम कर। चलिए अभी तो टाइम चल गया ऐसे, अब कल ही पढ़ाएंगे 4:30 का 4:15 3:35 से 4:15 कल कर देंगे अब खत्म, आप तो थोड़ी देर सोचते रह गए हमको खुद ये लोग आ जाता है तो काँव काँव सब करने लगता है इसीलिए दिक्कत है, भगा के रखेंगे हम तभी दिक्कत सही बात। ओके आज के लिए इतना ही चाहिए।